हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पहाड़ी इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज जय रजत चौहान। दोस्तों, कैसे हो आप? ठंड ठीक ठाक ही ना? ठंड ठंडी ने बचने रहना, ज़्यादा बाहर बोर नहीं घूमना, ज़्यादा स्टडी के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। आज हम डिस्कस करना आज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर टॉप 18 MCQ पढ़ेंगे, क्योंकि हम मैं कल इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, आज हम इनके MCQ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? तो कोयला, पेट्रोलियम, वाटर, नन ऑफ दिस। आपको तो पता है नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है, कल बढ़ाया गया था। तो वाटर इज द राइट आंसर। वाटर आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? यहाँ पर ओ होगा, सॉरी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो यहाँ पे ओ कर दो। ओ नबी यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? नॉन रिन्यूएबल, इसको देख लेना भाई, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? तो उसका राइट आंसर होगा नॉन यानी अनवीकरणीय ऊर्जा पूछी गई है। विंड, वुड, कोयला। विंड तो हो नहीं सकती, वुड भी नहीं, लकड़ी आपकी नवीकरणीय ऊर्जा, याद रख लेना। तो उसका राइट आंसर है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सूरज, हवा, पानी किस एनर्जी के उदाहरण है? सूरज, हवा, पानी किस एनर्जी के उदाहरण है? तो ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, बोथ या हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी इज द राइट आंसर, यानी नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साफ सुथरी ऊर्जा कौन सी, बिल्कुल क्लीन एनर्जी कौन सी है? कल पढ़ाया गया था भाई, क्लीन एनर्जी कौन सी, बिल्कुल साफ सुथरी। पोटेंशियल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन ऑफ दिस। तो उसका राइट आंसर होगा नवीकरणीय ऊर्जा, यानी सेकंड ऑप्शन, रिन्यूएबल एनर्जी इज द राइट आंसर आंसर, क्योंकि यही क्लीन एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऐसी ऊर्जा कौन सी है जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं? कोयला बार बार कर सकते हैं यूज? नहीं कर सकते। कोयल नहीं कर सकते। वाटर, तो वाटर इज द राइट आंसर। वाटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विद्युत ऊर्जा का कौन सा साधन है, कौन सा सोर्स है विद्युत ऊर्जा का? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, बोथ है, ये दोनों ऑप्शन हो गई, ये नन ऑफ दिस। तो सर इसका राइट आंसर है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी तो हो नहीं सकता। सूरज आपका क्या है, सूरज आ गया, विंड आ गया, और जैसे टाइडल एनर्जी आ गई, ये आपकी प्राइमरी सोर्स में आते हैं, तो हम इनको ज़्यादा नहीं लेते, हम सेकेंडरी सोर्स पे ही ज़्यादा डिपेंड है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गंदी ऊर्जा कौन सी है? क्या क्वेश्चन पूछ लिया, गंदी ऊर्जा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल गंदी, गंदी बोल नहीं, मतलब ज़्यादा ही गंद। इसका राइट आंसर होगा आपका कोयला, क्योंकि कोयला तो पता है आपके, जहाँ कोयला का प्रोजेक्ट लगा होता है वहाँ पे बहुत ही पोल्यूशन होता है, ऐसा वैसा है, और तो उसका राइट आंसर होगा कोयला, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ये तो मैंने ऐसे डाल दिया था क्वेश्चन, ओरिजिनल कुछ भी, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोयला, वाटर पावर, बोथ, नन ऑफ दिस। सोचो दोस्तों, दोनों हो सकते हैं, या वाटर पावर है या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वाटर पावर। वाटर पावर कैसे है मैं बताऊँ यार, देखो यार भाई, जैसे बारिश होती है, बारिश हो रही है, पानी आया, तो वो अपनी मर्जी से जाएगा ना, अपनी मर्जी का मर्जी से फ्लो करेगा, उसकी अपनी स्पीड होगी। तो कोयला ओरिजिनल सोर्स, क्योंकि आपके पास तो कोयला लाएंगे, उसको हम जलाएंगे, फिर तब जाके एनर्जी पैदा करेंगे। और ये वाटर तो अपने आप ही एनर्जी पैदा कर रहा है, जैसे नदियों में पानी जा रहा है, खड्डों में पानी जा रहा है, नालों में पानी, उसकी अपनी एनर्जी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वाटर पावर। जैसे लकड़ी जल रही है, वो भी क्या है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ऐसे ऐसे माइंड में याद रख, लेबर में जैसे जो मजदूर करते हैं काम वगैरह लेबर में, तो वो भी एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो उसका राइट आंसर वाटर पावर होगा, रख लेना याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने में कौन सा स्थान है? तो उसका राइट आंसर है 13वां। तो जीके का क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस साधन से सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है? कौन सा साधन है जिससे सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस नवीकरणीय साधन से सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है?
ऊपर पूछा था किस साधन से, यहाँ पूछा था किस नवीकरणीय साधन से सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रो पावर। नवीकरणीय पूछा क्योंकि हाइड्रो पावर ही एक नवीकरणीय एनर्जी है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रो पावर, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सबसे ज्यादा यूज करने वाला पावर सोर्स कौन सा है, सबसे ज्यादा यूज करने वाला पावर सोर्स, बनाने वाला नहीं यूज कर, जो जिससे हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा तेल, ऑयल सबसे ज्यादा यूज करते हैं, कितना करते हैं ऑयल वो मेरे को भी नहीं पता यार इतना तो। 13 क्वेश्चन, सबसे जल्दी पैदा करने वाला बिजली का साधन कौन सा, एकदम बिजली पैदा करने का साधन कौन सा है, विंड, सोलर, वाटर, गैस, सोचो। तो उसका राइट आंसर है सोलर, कल ही पढ़ाया गया था आपको तो पता है सोलर एकदम एनर्जी कैसे पैदा करते हैं, टेरिस पे वो मैंने बताया था कल आपको एग्जाम्पल कि टेरिस पे टंकी रखी रखी जाती है, उसके साथ में सोलर पैनल रखा जाता है, सन की लाइट पड़ती है वो कन्वर्ट करता है उसको हीट में, तो वही प्रोसेस है बिजली पैदा करने का भी, वो उसको मतलब सन की लाइट को कन्वर्ट करता है हीट में और वो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बस एकदम जल्दी, तो इसका राइट आंसर होगा सोलर। सोलर सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी पैदा करने वाला बिजली का साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सबसे घटिया ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, सबसे घटिया ऊर्जा का सोलर ही है, इससे ज़्यादा बिजली पा हम प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे सुरक्षित पावर सोर्स कौन सा है, वाटर, सोलर, न्यूक्लियर, कोयला, अब ये सोचने वाला क्वेश्चन है, पर इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर क्यों होगा, आप तो सोचोगे न्यूक्लियर इतना हार्मफुल है यार, एक बार फट गया तो इसकी गैस मतलब सारे एरिया में फैल फैल गई, तो जितने भी मतलब गांव हो गए या शहर होगा वो तो पोल्यूटेड हो जाएंगे इसकी गैस से, तो भाई बात समझो कि ये सबसे सुरक्षित, इससे क्योंकि ये सुरक्षित ही रखना पड़ता है, बिल्कुल ही सुरक्षित की सेफ्टी बहुत ही रखना पड़ती है कि जरा सा भी लीक हो जाए तो आपको तो पता है जितने भी एरिया होंगे इसके अराउंड में या शहर बसे होंगे वो सभी पोल्यूटेड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें यूरेनियम थोरियम ऐसे ऐसे एलिमेंट डाले जाते हैं, इसलिए ये सबसे सुरक्षित पावर सोर्स है, क्वेश्चन सबसे मतलब सबसे सुरक्षित पावर सोर्स इसलिए बोला गया इसको, क्योंकि ये सुरक्षित ही रखना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सबसे खतरनाक पावर सोर्स कौन सा है, सबसे खतरनाक, तो इसका राइट आंसर है कोयला, अभी दूसरे तीसरे क्वेश्चन में इसका जिक्र किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस देश में सबसे अच्छी बिजली बनती है, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, स्वीडन, जर्मनी, तो मैंने जीके क्वेश्चन डाल दिया था, इसका राइट आंसर है जर्मनी, जर्मनी में सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का यूज़ की जाती है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में बिजली बनाने के लिए किस सोर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, विंड, हाइड्रो, थर्मल या ऑल, तो इसका राइट आंसर होगा थर्मल, कोयले का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में। तो ये थे दोस्तों आपके टॉप 18 क्वेश्चन, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बता देना मेरे को, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको हाइड्रो प्लांट के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर पक्का कर देना, और कर देना सब्सक्राइब, एक दोबारा बोल रहा हूँ, और